रामायण में सीता माता का किरदार निभाने के लिए करीना कपूर खान को जब अप्रोच किया गया था, तो उन्होंने अपने रेगुलर अमाउंट 6 to 7-8 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ मांगे थे फिल्म के लिए, बिकॉज इट हैड टू बी शॉट इन अ ड्यूरेशन ऑफ 8 to 10 months, जिसके लिए उनको किया गया था जमकर ट्रोल। और साथ ही जो ट्रोलिंग हुई थी, वो सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी दैट शी वॉज आस्किंग फॉर द स्वैपिंग अमाउंट, बट ऑल्सो बिकॉज शी वॉज तैमूर्स मदर, जिस पर अब तापसी का आ गया है रिएक्शन कि आखिर क्यों किया गया करीना को ट्रोल, और वो उनके सपोर्ट में खड़ी होकर नजर आ रही हैं। क्या है ये पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। अनइक्वल पे हैज बीन अ टॉपिक ऑफ कंसर्न इन ऑल द पीपल ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि वो लोग जो मानते हैं, यानी कि फीमेल एक्टर्स, अब इस चीज को लेकर सवाल उठाने लगी हैं, आवाज उठाने लगी है, दैट व्हाई आर दे अंडर पेड देन द एक्टर्स व्हेन दे आर डूइंग ऑलमोस्ट द सेम वर्क। तो ऐसे में कई एक्ट्रेसेस जो है अपने काम के हिसाब से पैसों की भी मांग करती हैं, दे आर नॉट लीविंग देमसेल्व्स एनी वे बिहाइंड द एक्टर्स। और सीता की माता का किरदार निभाने के लिए करीना कपूर खान ने रामायण मूवी को 8 से 10 महीने डेडिकेट करने का कमिटमेंट देते हुए 12 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसके बाद तापसी पन्नू को जब ये पता चला दैट शी वॉज बींग ट्रोल्ड फॉर दिस अमाउंट दैट शी हैज आस्क्ड फॉर, तो उन्होंने कहा कि जब मेल एक्टर्स अपनी वैल्यू से ज्यादा पैसे मांगते हैं, तो मार्केट में यह बात की जाती है कि उस एक्टर की डिमांड जो है, उस एक्टर की वैल्यू बढ़ चुकी है बिकॉज ही हैज बीन डूइंग सच ब्लॉकबस्टर्स। लेकिन जब एक एक्ट्रेस इतने पैसे मांगती है, तो उसको जो है डिमीन किया जाता है, ट्रोल किया जाता है, और कहा जाता है कि इतने पैसे किस बात के लिए मांगे जा रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है जो इंडस्ट्री में हो रही है, एंड दिस मस्ट चेंज कंसिडरिंग करीना कपूर खान, हु इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ यू नो बॉलीवुड इन दिस जनरेशन, वो जो है अमेजिंगली बहुत बेहतरीन काम कर चुकी है, शी डिजर्व दिस पेमेंट। तो ऐसे में उनको ट्रोल करना बहुत ही बेवकूफाना है, और मुझे तो लगता है दैट शी डिजर्व्स एवरी वर्थ ऑफ इट। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग तापसी पन्नू के बारे में, जिन्होंने दिया है ये बड़ा स्टेटमेंट, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुँचाते रहेंगे।